न्यूज में नकली नोटों की छपाई की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर भारत सरकार के द्वारा असली नोटों को कैसे छापा जाता है, कहां कहां पर होती है इनकी छपाई और इसको छापते वक्त किस खास इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि नकली नोट छापने वाले लोगों के पास नहीं होती है, और इसी से हो जाती है असली और नकली नोट की पहचान। अगर आपको भी जानना है नोटों की छपाई का पूरा प्रोसेस तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको इन नोटों की प्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं, जो कि नासिक, देवास, मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोनी में नोट की प्रिंटिंग का काम करते हैं। यहाँ पर देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, जबकि मैसूर और सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करता है। नोट को बनाने में एक खास तरह के इंक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है। ये कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में इंक का निर्यात करती है। हालांकि अपने देश के प्रधानमंत्री पहले ही स्वदेशी इंक और पेपर बनाने के लिए कह भी चुके हैं। अलग अलग नोटों की छपाई के लिए अलग अलग तरह की इंक का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन नोट्स को बनाने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए एक मिल भारत के होशंगाबाद में है, जहां पर नोट्स और स्टैम्प्स के लिए पेपर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अभी भी भारत में ज्यादातर जिन नोटों का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए पेपर जापान और यूके से ही मंगवाया जाता है। अगर हम RBI के आंकड़ों को देखें तो RBI का ये कहना है कि 80% नोट अभी भी विदेशी कागजों पर ही छापे जाते हैं। बैंक नोटों को स्थायी रूप से जारी करने की पहल करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड था। क्या आप जानते हैं भारत में पहला नोट कब छापा गया था? सबसे पहले नोट की छपाई ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में करी थी, जिसे यूके की एक कंपनी के द्वारा छापा गया था। लेकिन इसके कई साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में नोटों को छापने का फैसला कर लिया। अब जब नोटों की इतनी बात हो रही है तो शायद आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इन नोटों को छापने में कितना खर्चा आता है। साल 2018 में 2000 के एक नोट को छापने के लिए लगभग 4.18 रुपए का खर्चा आता था, लेकिन बाद में ये घटकर 3.53 रुपए हो गया था। वैसे आपको ये सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि 10 रुपए के नोट को छापने का खर्च सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सच बात है। वैसे हाल फिलहाल में जो नोट मार्केट में चल रहे हैं ना, उसकी छपाई का खर्च पहले के नोटों की तुलना में बेहद कम होता है। पहले पुरानी 500 की नोट को छापने में 3.09 रुपए का खर्चा आता था, वहीं अब की 500 रुपए के नोट को छापने में खर्चा पहले से 44 पैसे कम हो चुका है। बात करें सिक्कों की तो SPMCIL के स्वामित्व वाले 4 टकसालों में सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। ये 4 टकसाल भारत में मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कलकत्ता में बने हुए हैं। RBI अधिनियम की धारा 38 के अनुसार सिक्कों के प्रचलन की जिम्मेदारी RBI पर ही होती है, यानी कौन से सिक्के चलन में रहेंगे और किसको बैन करना है, इन सब का उत्तरदायित्व RBI पर ही होता है। अब बात जब भी करेंसी की आती है तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, बैंक नोट। तो आखिर क्या होता है बैंक नोट, आइए जानते हैं। बैंक नोट दरअसल उसे कहते हैं जिसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे नोटों को आप एग्जाम्पल के तौर पर 2000, 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोटों को समझ सकते हैं। वहीं बात करें 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों की छपाई की तो हाल फिलहाल में इन नोटों की छपाई को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनकी छपाई और सर्विसिंग में जितना खर्च आ रहा था ना, वो इनकी कीमत से कहीं ज्यादा का था। आपको बहुत कम लेकिन कुछ जगहों पर 1 रुपए का नोट भी दिखा होगा, तो हम आपको बता दें कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि समय समय पर जरूरत के हिसाब से जारी किया जाता है। अब आइए ये जान लेते हैं कि आखिर विदेशों से भारत आए इन कागजों पर नोटों की छपाई कैसे करी जाती है। नोटों की छपाई में सबसे पहले इन कागजों को मशीन में लगाया जाता है, और यहाँ से मशीन से अच्छे और खराब नोटों को पहले अलग अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है इन नोटों पर नंबरिंग करने की, जिसके लिए इन नोट्स पर नंबर्स डाले जाते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसमें एक नोट को लेकर चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक प्रिंट हुआ है या फिर नहीं। अब अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि आखिर खराब नोटों का क्या होता है, तो इन खराब हो चुके नोटों को बैंक में जमा करवा दिया जाता है, जहां से इन खराब नोटों को बैंक के द्वारा मुख्यालय में भेज दिया जाता है। ये खराब हो चुके नोटों की चेकिंग करी जाती है और इन नोटों की जगह पर नए नोटों को छापा जाता है।
वैसे अब नोटों की छपाई तो हो गई, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये लोगों तक पहुंचता कैसे है। दरअसल आरबीआई के पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऑफिसेज हैं, जहां सबसे पहले इन नए छपे गए नोटों को पहुंचाया जाता है, और इसके बाद बारी आती है नए नए नोटों की अलग अलग बैंक्स में सर्कुलेट करने की, जहां से ये नोट आम जनता तक पहुंच पाता है। अब नोटों की छपाई में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ना, वो ये है कि क्या कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की छपाई कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी देश जितना चाहे उतने नोटों की प्रिंटिंग कर सकता है, बल्कि इसे सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से ही तय किया जाता है कि नए नोट प्रिंट किए जाने चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में एक बार में कितने नोट छापे जाने चाहिए ये भी देखना और तय करना आरबीआई का ही काम होता है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि मिनिमम रिजर्व कितना है उस देश के पास, उसके बाद ही नोटों की छपाई का काम शुरू किया जाता है। भारत में ये प्रणाली 1957 से शुरू हुई है। आरबीआई को ये अधिकार होता है कि वो अपने रिजर्व में हमेशा 200 करोड़ की संपत्ति रखे ही रहे, और इसके बाद ही आरबीआई सरकार की परमिशन के बाद नोट छाप सकती है। चलिए, यहाँ तो आपने समझ लिया कि नए नोट कब छापे जाने चाहिए, लेकिन अब एक बात ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये बात पता कैसे चलती है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसे सरकार या आरबीआई के द्वारा कभी भी छापा जा सकता है, बल्कि इसके लिए भी कुछ जरूरी गाइडलाइंस होती हैं। जैसे अगर बात सिक्कों की करें, तो भारत के नए सिक्कों की ढलाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। वहीं बात करें अगर नोटों की, तो 1 रुपए का नोट ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है, जबकि बाकी के नोट्स आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी आरबीआई के हाथ बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते हैं। वैसे आरबीआई चाहे तो 10,000 रुपयों तक के नोट छाप सकता है, लेकिन उससे बड़ी नोट छापने के लिए आरबीआई को भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई सबसे पहले उन तमाम कारणों को देखता है और समझता है, जिसके बाद उसे लगता है कि अगर सच में नए नोट छापने की जरूरत है, तो उसी अनुसार वो भारत सरकार से परमिशन मांगता है। यहाँ पर सरकार का रोल बनता है कि सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से सलाह मशवरा करना, और उसके बाद आरबीआई को नए नोट छापने की परमिशन देना, जिसके बाद नए नोटों की छपाई का काम शुरू हो जाता है। अब आइए ये समझते हैं कि अगर किसी देश में बिना किसी गाइडलाइंस को फॉलो किए और कुछ जरूरी मूल्यों का निर्धारण किए बिना अगर नोट छाप दिए जाए, तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे उस देश की गरीबी तो दूर नहीं होगी, उल्टा उस देश की करेंसी जरूर डिवैल्यू हो जाएगी। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम करके नीचे तो आ ही जाएगी, साथ ही वहां पर महंगाई भी काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा बिना कुछ नियमों का पालन किए बिना ज्यादा नोट छाप दिए जाएंगे, तो लोगों के पास पैसे तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनकी जरूरत के हिसाब से सामान तो उतना ही रहेगा। ऐसे में जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, वो दुगनी कीमत देकर भी अपनी जरूरत का सामान खरीदने की कोशिश करेगा, जिस वजह से सामान की कीमत बढ़ जाएगी और बाजार में महंगाई भी बेवजह बढ़ जाएगी। और यही वजह भी है कि किसी भी देश में सरकार कुछ जरूरी मूल्यों के आधार पर ही करेंसी नोट्स को छापने का काम करती है। तो अगर अब तक आप भी ऐसा सोचते थे कि कोई भी देश जितना चाहे उतनी नोटों की छपाई करके अपने देश की गरीबी को दूर कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बात अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है नोटों की छपाई से लेकर उससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारियां आपको पता चल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।